एवरीवन, सो टुडे आई एम डूइंग एन एंगेजमेंट और निकाह या कोई भी इंटीमेट इवेंट होता है जो बहुत बड़ा सा इवेंट नहीं होता एंड यू डोंट वांट टू लाइक गो ओवरबोर्ड विद द मेकअप. बहुत मिनिमल रखना है लेकिन अच्छा भी लगना है, तो आई एम गोना डू दैट मेकअप. वी नीड टू कीप आवर हेयर अवे फ्रॉम द फेस एंड आई एम यूजिंग माय डॉटर्स पिंस फॉर दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ आई एम गोना बी यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर. मुझे जो है ऑयली नहीं चाहिए अपनी स्किन, सो दिस इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर. जस्ट अप्लाई इट थॉरली. वैसे तो टी जोन एरिया पे ही चाहिए होता है, बट मुझे होता है कि मैं पूरे फेस पे ही सही से लाइक लगाती मैं इन एरियाज में जो मेरे एरियाज ड्राई होते हैं, बट फिर उनको ब्लेंड करते हुए पूरे एरिया में ही ब्लेंड हो जाता है. एंड नो दैट मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर हाउ ऑयली और ड्राई योर स्किन इज, ऑयली स्किन वाले समझते हैं कि उनको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, या फिर उनको लगता है कि सिर्फ विंटर्स में मॉइस्चराइजर्स की जरूरत होती है, समर्स में नहीं होती. बट नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ. मेकअप कभी भी मॉइस्चराइज किए बगैर, स्किन प्रेप के बगैर अच्छा नहीं होता है. चूज अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. अच्छा, यू नीड टू लेट योर मॉइस्चराइजर सिट फॉर अ वाइल ताकि वो स्किन में ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. तो लेट इट स्टे फॉर लाइक 5 मिनट्स इवन. अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, इसके ऊपर फौरन से प्राइमर लगा लें, बट इफ़ यू हैव टाइम तो उसको थोड़ी देर छोड़ दें. और मेरे पास आज टाइम नहीं है बिकॉज आई हैव टू शूट सम मोर कॉन्टेंट टूडे और धूप में मुझे शूट करना है. एंड इट्स ऑलरेडी 6-7 के आसपास जाके धूप बिल्कुल लाइक सनलाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मुझे वो आउटडोर्स एक शूटिंग करनी है, तो इसलिए मैं फौरन से प्राइमर लगा रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस एम के कॉस्मेटिक्स का प्राइमर. ये मुझे पी आर में आया था एंड इट्स अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एंड स्मूथ पोरलेस स्किन. इस पर लिखा हुआ भी है एंड इट इज़ रियली गुड. ये मुझे सूट करता है, काफ़ी सूट करता है. इससे पहले आई हैड मेबलिन का प्रोफेशनल प्राइमर. नहीं, प्रोफेशनल नहीं, कौन सा पता नहीं कौन सा वाला है, बेबी स्किन प्राइमर. बट मुझे ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे प्राइमर लगाना होता है. बाकी ब्लेंड करते हुए है कि जो लेफ्ट ओवर बच जाए उसको पूरे फेस पे ही लगा लें. इतना अच्छे से शायद मैंने निकाह वाले दिन भी मेकअप नहीं किया था, इतना सुकून से भी मैं आज कर रही हूँ. आई होप इट टर्न्स आउट द सेम. लेकिन मैं स्टेप्स तो सारे वही करूँगी, तो लेट्स सी. उस दिन मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो गया था लकीली. नाउ इट्स द टर्न ऑफ कंसीलर बिकॉज आई नीड टू हाइड माई डार्क सर्कल्स. अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाना चाहें, आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, यू डोंट नीड टू हाइड एनी डार्क स्पॉट्स और एनीथिंग ऑन योर फेस, तो आप फाउंडेशन लगाएं एंड देन हाईलाइट करने के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ कंसीलर यू कैन. बट मुझे हाईलाइट नहीं करना होता, मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं पसंद है वो हाईलाइटिंग वाला पार्ट ज़्यादा. तो आई हाइड माई डार्क सर्कल्स बाई यूजिंग डिफरेंट शेड देन माई स्किन टोन ऑफ कंसीलर, और उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाती हूँ एंड दैट्स इट. उसके ऊपर से मैं कंसीलर नहीं लगाती हूँ. सो आई एम यूजिंग दिस फोकल एयर. दिस इज़ अ लोकल पाकिस्तानी ब्रांड. वो एम के कॉस्मेटिक्स भी लोकल ब्रांड है, आई थिंक सो, पाकिस्तान का ही है, बट दे डिलीवर वर्ल्ड वाइड. तो वो भी लाइक है पाकिस्तानी ब्रांड बट लोकल नहीं है. बट दिस फोकल एयर, आई थिंक दिस इज़ लोकल ब्रांड. तो इसका ये कंसीलर है ना, आई गॉट दिस रॉन्ग शेड गलती से, तो स्टिल ये मेरे ऊपर सूट कर जाता है कि मैं ये लगा के जब ऊपर से फाउंडेशन लगाती हूँ तो इट जस्ट कवर्स एवरीथिंग. यहाँ एंड देन आई नीड टू कवर माय आईज. एंड आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू एवरीथिंग करेक्ट. मैं बस कर रही हूँ जैसे मुझे सूट करता है एंड यू कैन डू दिस सेम बिकॉज मेकअप में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एज सच नहीं होते, होते हैं बट एज सच कोई फिक्स नहीं है. सो आई एम गोना लेट इट सेट फॉर लाइक अ फ्यू सेकेंड्स ताकि वो थोड़ा सा लाइक मैरिनेट हो जाए स्किन के अंदर. एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद दिस ब्रश. आई कैन ऑल्सो ब्लेंड इट विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर. मैं मोस्टली पहले ये यूज़ करती थी बट नाउ दिस इज ईजियर. ये मेरा ब्रॉन्जर का ब्रश है जिसे मैं कंसीलर के लिए यूज़ करती हूँ, बट इट मेक्स इट वेरी ईजी. और मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे ब्लेंडर से कुछ भी ब्लेंड करना बहुत मुश्किल लगता है. सो लेट्स ब्लेंड इट नाउ. जस्ट डैब डैब डैब. बहुत ज़्यादा इसको यूं रगड़ रगड़ के नहीं करना होता, डैब डैब करके एंड में जब पूरा ब्लेंड हो जाए तो थोड़ा बहुत रगड़ना चाहें तो रगड़ लें, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. बहुत लाइट हैंड रखते हुए मैं कर रही हूँ ब्लेंड. फील शायद हो रहा हो कि मैं पता नहीं ज़्यादा शायद कर रही हूँ, लेकिन नहीं. और मेरी सारी आईब्रोज पे भी जा रहा है, बट विल क्लीन द आईब्रोज. दिस कंसीलर इज़ वेरी गुड. ये बहुत ही सस्ता था बट ये मैंने शायद दराज से ऑर्डर किया था, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड. आई एम स्प्रेडिंग आउट द रेस्ट ऑन द फेस. इस स्टेप के बाद आप
थोड़े आधे भूत लग रहे होते हैं, और इसके बाद जब फाउंडेशन लगाते हैं तो पूरे भूत ही बन जाते हैं। बट इट्स ओके, एवरीथिंग कम्स टुगेदर इन द एंड। आई जस्ट रिमेम्बर्ड मैंने कंसीलर यहाँ पे भी लगाना था, बिकॉज आई हैव स्लाइट पिगमेंटेशन हेयर, और मैं यहाँ लगाना भूल गई थी, तो बस लगा के साथ ही मैंने ब्लेंड कर लेना है। नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड द कंसीलर प्रॉपरली, ताकि वो स्किन के अंदर तक ब्लेंड हो जाए। नाउ इट्स फाउंडेशन टाइम एंड आई एम गोना यूज दिस सफायर पाकिस्तान फाउंडेशन। सफायर इज अ क्लोथिंग ब्रांड, बट उनका मेकअप भी उन्होंने लॉन्च किया है, एंड आई गॉट दिस फाउंडेशन। मुझे नहीं पता था कि कैसी होगी, आई गॉट इट एंड आई एम लविंग इट। आई जस्ट यूज वन पम्प, मुझे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, केक ही हो जाता है वरना, तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। एंड वी आर गोना यूज सम ऑन द नेक एज वेल, तो बाल थोड़ा पीछे हो जाए। नेक के लिए मैं भूल ही गई। आई एम गोना ब्लेंड द फाउंडेशन यूजिंग दिस ब्रश, फाउंडेशन ब्रश। इसको भी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, यू कैन ड्रैग इट, ब्रश बहुत अच्छा है, बट लाइक कोशिश करें कि डैब डैब करें तो अच्छा है। पेशेंस रन आउट हो जाए तो ठीक है, ड्रैग कर लें मेरी तरह। यू नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा फाउंडेशन फॉर द नेक। मैंने नहीं ली बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, आई एम जस्ट शूटिंग द ट्यूटोरियल, तो मैं अभी इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रही हूँ फॉर द नेक। बट यू नीड टू अप्लाई सम हेयर एंड ब्लेंड इट थॉरली, पूरा प्रॉपरली कर लें ताकि फेस एंड नेक सेम लगे। नाउ आई एम गोना मेक श्योर कि ब्यूटी ब्लेंडर से मेरी फाउंडेशन प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए, और ब्लेंडर को मैं हल्का सा स्लाइटली डैम्प कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। आई डोंट लाइक इट टेक्स अवे द कवरेज, बट हल्का सा डैम्प करने से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। वी आर डन विद दिस टू। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग माई आई मेकअप फर्स्ट। इसमें से मैं कोई भी एक, इसमें बहुत सारे न्यूड शेड्स हैं, पीच एंड ये सब कुछ, तो मैं ये शायद ये वाला पीच शेड अभी अपनी आईज को कवर करने के लिए यूज़ करूंगी। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रश, कोई सा भी ब्रश ले लें, आई शेडो ब्रश जो नॉर्मल सा हो, जिसमें आप पीच शेड लें एंड अपनी आईज को कवर कर दें जरा, ताकि वो वाइट कास्ट हट जाए, लाइक दिस। यूज अ पिंक शेड इज वेल, ब्राउन की जगह थोड़ा अगर पिंकिश लुक देना है, बट मेरे फेस पे मुझे पिंक आई शेडो नहीं पसंद आता, आई डोंट नो वाई, इट इज नॉट लुक गुड ऑन मी। पिंक आई शेडो मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है ओवरऑल बहुत पिंकिश हो गई हूँ, सो दिस इज वाई आई एम यूजिंग ब्राउन इंस्टेड ऑफ पिंक। डूइंग द सेम ऑन द अदर आई, बस इस तरह ओवरऑल, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कवर योर आईज विद दिस पीच शेड, पूरी फुल आईज पे भी नहीं, जस्ट लाइक दिस क्रीज या इसको जो भी कहते हैं। वी आर डन विद द पीच शेड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फॉर नाउ। आई एम गोना स्विच द ब्रशेज नाउ, आई नीड टू बी प्रिसाइज ऑन दी कॉर्नर्स, ये वाले जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पे, यहाँ लगाना है मुझे ब्राउन शेड टू गिव इट अ मोर ब्राउन लुक। एंड आई हैवंट वॉश्ड माई ब्रशेज, सो लेट मी क्लीन इट, इस पे कोई और शेड नाउ। वैसे तो आई यूज ब्राउन लास्ट टाइम। सो वी हैव सोलर, और अभी सोलर बंद हो गया है, 6 बज गए हैं, तो बेयर दिस फेस लाइट के बगैर आई एम नॉट श्योर कैसा लग रहा होगा, बट लेट मी चेक इट फर्स्ट। ऐसे कॉर्नर पे लगाना है एंड यू अंदर की तरफ लेके आना है, लाइक जस्ट डू दिस, यू अंदर आईज की तरफ। सो कॉर्नर्स ब्राउन होने चाहिए। नाउ यू कैन सी मैंने जब ब्राउन शेड लगाया तो नीचे से मैंने नीचे नहीं लगाया, जस्ट ऊपर लगाया, लाइक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्रीज होती है या क्या, ये वाला जो पार्ट है आपके इसका, यूं करते हुए कॉर्नर्स को कवर करना है, सो देयर इज इनफ स्पेस फॉर द गोल्ड आई शेडो, जो कि आप शिमर भी लगा सकते हैं, बट आई यूज अ ग्लिटर शेडो, लिक्विड शेडो, एंड इट लुक सो गुड, तो आई कैन नॉट वेट फॉर दैट पार्ट। अभी फिलहाल ये हो गया एंड नाउ आई एम गोना डू द सेम ऑन द अदर आई। थोड़ा कॉर्नर्स को कवर करें एंड देन जस्ट टेक इट इनसाइड। बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है एंड अगर आप चाहें बहुत क्लीन करना तो यहाँ पे टेप लगाएं, और उससे बहुत क्लीन सी लुक आ जाती है, लाइक प्रॉपरली लिफ्टेड सी लुक अगर आपको करनी है आईज की, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, मैंने यही की थी उस दिन भी। तो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड नाउ वी आर गोना गो फॉर द ग्लिटर आई शेडो। सो दिस इज द ग्लिटर आई शेडो, दिस इज ऑल्सो अ लोकल पाकिस्तानी ब्रांड। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड बॉयकॉटेड ब्रांड्स, तो ये जो चीज़ें मैंने न्यू ली है ना, तो वो जो है मेरे पास लोकल है, लोकल ब्रांड्स की हैं या जो बॉयकॉट लिस्ट में नहीं है, और जो मेरे पास पहले से पड़ी हैं वो
यूज करना पड़ेगा, लाइक आई कैन नॉट थ्रो इट अवे, आई ऑलरेडी स्पेंट ऑन इट. मैं थोड़ा सा ब्रश क्लीन कर रही हूँ बिकॉज आई एम अफ्रेड बहुत ज्यादा ना हो जाए. लेट्स डू दिस नाउ. आई होप यू कैन सी मी. जस्ट लाइक यूं करके ना आपने जो एरिया रहता है जहाँ पे ग्लिटर होनी चाहिए उस एरिया पे लगाएं एंड डू दिस. एंड बहुत ज्यादा बाहर तक नहीं लाना, बस यहीं पे छोड़ देना है. थोड़े डाइजन तो आई एम गोना लेट इट स्टे फॉर लाइक वाइल इस तरह से, ताकि वो जो लिक्विडी है वो ड्राई हो जाए थोड़ा सा, बिकॉज अदरवाइज ऊपर चला जाएगा. मेरी हुडी डाइज है, हुड मेरी ऊपर ले जाती है मेकअप को. आई एम गोना डू द सेम ऑन द अदर आई. आई फील लाइक मेरा मेकअप उसी तरह का ही हो रहा है, मैंने यही किया था. बट अभी मेरे पास लाइट प्रॉपर है बिकॉज रिंग लाइट की लाइट बहुत अच्छी नजर आ रही है, तो उसमें मुझे मेकअप नजर प्रॉपर आ रहा है. उस दिन मेरे पास लाइट इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे मेकअप करते हुए नजर इतना नहीं आ रहा था. आई थिंक सही हो रहा है मेकअप, यही हुआ था उस दिन भी. बस एक्स्ट्रा लाइट की वजह से वो दिख ज्यादा रहा है. आई होप माई मिरर इज नॉट कवरिंग द कैमरा. एंड वी आर डन, ऑलमोस्ट डन विद द आईज. एंड आई एम गोना सिट लाइक दिस फॉर अ वाइल, शर्माते हुए नीचे देखते हुए. इट्स ड्राई इनफ टू लाइक यूज योर फिंगर्स एंड इसको, बस ड्राई हो चुका है वो फैलेगा नहीं बिल्कुल भी. जस्ट डू दिस ताकि वो आपका जो ब्राउन आई शेडो है उसके अंदर मर्ज हो जाए. फिंगर से कर लें या ब्रश से कर लें, वट एवर सूट्स यू, ताकि वो ग्लिटर अलग से ना नजर आए कि अलग ही लगी हुई है कहीं. इट्स लाइक दिस नाउ, इट लुक्स लाइक दिस एंड आई लव इट. आई होप कैमरा इज डूइंग जस्टिस टू इट, बट काफी अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन आई शेडो कर लूँ, बल्कि मैं ज्यादा नहीं कर रही, मेरी आईज पे ना ये अच्छा नहीं लगता. तो आई एम गोना यूज द लेफ्ट ओवर ऑन द ब्रश. ब्रश पे हल्का हल्का जो रह जाता है ना उससे मैं आईज को यूं कर रही हूँ, बिकॉज मैं नीचे अगर शेड लगाती हूँ ना मेरी आईज पता नहीं अजीब सी लगने लग जाती हैं. सो दिस इज अ स्टेप दैट यू कैन डू, मेकअप आर्टिस्ट करते हैं. लाइक प्रॉपर शेड लें, ब्राउन शेड, और उसको यूं करके लगा लें प्रॉपर ब्रश से. बट आई एम नॉट डूइंग दैट. ये हो गया, माई आई मेकअप इज डन एंड आई एम गोना क्लीन माई आईब्रोज. आई डोंट डू एनी थिंग फॉर माई आईब्रोज, मतलब मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत थिक हैं और बहुत लाइक डार्क हैं. सो आई डोंट नीड एनी थिंग, एनी प्रोडक्ट ऑन इट. मुझे नहीं पसंद है कुछ भी, तो मैं बस इसको इस ब्रश से लेके क्लीन कर लेती हूँ ताकि जो इसके ऊपर आईब्रोज के ऊपर कंसीलर या फाउंडेशन है वो हट जाए. आई एम डूइंग दिस और उसके बाद मैं एक बार टिश्यू रब कर लूँगी आईब्रोज पे. इफ यू ऑल्सो हैव थिक ब्राउज यू कैन डू द सेम, बिकॉज मोस्टली एशियंस, पाकिस्तानीज, इंडियंस एंड पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज हैव थिक आईब्रोज. लेट्स डू द ब्लश एंड रिमेनिंग स्टफ. एंड फॉर द ब्लश आई एम डूइंग दिस पिक्सी ब्लश. इसका शेड है शाई पिंक एंड इट इज़ वेरी वेरी डार्क फॉर मी अगर मैं इसको यू रब करके लगाऊँ. इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम, जब मेरे पास ये आया था एंड आई यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत डार्क हो जाता है. सो यू नीड टू बी लाइक केयरफुल इफ़ यू हैव लाइटर स्किन लाइक मी. और इफ़ यू हैव डार्क स्किन आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट शेड फॉर डार्क या थोड़ी डस्की से कॉम्प्लेक्शन होते हैं ना, वो प्यारे से लाइक डस्की, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट एक कॉम्प्लेक्शन होता है बहुत बहुत प्यारा सा होता है वो, एक डस्की सा, उस पर ये शेड बहुत सूट करेगा. बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस बिकॉज आई लव दिस ब्लश एंड इट स्टेज एंड इट स्मेल्स सो गुड, इट स्मेल्स सो गुड. और इसके अलावा ये कि आई लव दिस शेड, मैं बस हल्का हल्का लगाऊंगी तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी नेचुरल पिंक. सो आई एम यूजिंग दिस लाइक दिस, मैं इस तरह से यूज करती हूँ, डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाती. वैसे भी आपको वैसे नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट फेस पे प्रोडक्ट को. सो डूइंग दिस अभी मैंने बहुत हल्का सा लिया है एंड फॉर द नेचुरल लुक मैं इतना ही यूज़ करती हूँ. बट मुझे चाहिए कि इवेंट, अगर मैं ये बता रही हूँ इंगेजमेंट या निकाह के लिए, सो यू नीड टू अप्लाई अ लिटिल बिट मोर बिकॉज इट फेड्स अवे एज वेल. ब्लशेज सबसे पहले गायब होते हैं, तो थोड़ा सा ब्लश को डार्क लगाएं देन योर यूजुअल ब्लश. ओके नाउ वी आर डन. यू कैन डू कॉन्टोरिंग एज वेल, बट सिंस आई गॉट स्मार्टर अगेन, मेरा वेट लूज हो चुका है तो आई डोंट नीड टू डू कंट्रोलिंग हेयर. मेरी एक नेचुरल सी कॉन्ट्रोल लाइन आ रही होती है जब मैं थोड़ी स्मार्ट होती हूँ ना. वैसे भी शायद है मेरे यहाँ पे एक अजीब सा, जब मैं इवन स्मार्ट नहीं भी थी ना तब भी यूं करके कैसे लगता था जैसे कॉन्ट्रोल की हुई है मैंने, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है. आई नीड कॉन्ट्रोल हेयर, तो मैं यहाँ पे हल्की सी कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ.
आई डिड नॉट टेक आउट माई कॉन्टोर फ्रॉम द बॉक्स एंड माई मिरर इज सेट ऑन द बॉक्स. मैं इसको नहीं उठा सकती. वट कैन आई डू नाउ? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आई नीड टू लाइक टेक इट आउट. आराम से उठा रही हूँ. मेरे हाथ में जो आ गया. ओके, सो आई फाउंड दिस ब्राउन लिपस्टिक. मैं ये कभी कभी ट्रिक कर लेती होती हूँ वैसे भी. सो वी आर गोना डू कॉन्टोरिंग विद दिस ब्राउन लिपस्टिक. कॉन्टोर पैलेट में ये बहुत अंदर पड़ी हुई है. लाइक दिस हल्की हल्की लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं ताकि डार्क ना लगे. ये ऐसे 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 ऐसे. आई विश दिस एक्स्ट्रा पार्ट ऑल्सो वैनिशेस एंड आई एम गोना ब्लेंड इट विद दिस ब्रश. ये एक्स्ट्रा मेरे पास इस पर हाईलाइटर लिखा हुआ है, पता नहीं इससे कौन सा हाईलाइटर लगता है. तो आई यूज इट फॉर माई कॉन्टोर. ये बहुत थिक सा है, लाइक वो होता है ना हार्ड हार्ड नहीं, इट्स वेरी सॉफ्ट, बट एक वो होता है बहुत सारे ब्रिसल्स हैं तो इट मेक्स इट लाइक थिक सा ब्रश. तो मैं इससे कॉन्टोर ब्लेंड कर लेती हूँ. बहुत ईजिली आराम से हो जाती है. आई फील लाइक आई एम बींग माई सेल्फ इन दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं इससे पहले पता नहीं मैंने कोई ट्यूटोरियल्स किए हैं या नहीं किए हैं. एंड आई यूज टू बी वेरी लाइक शाई एंड पता नहीं मैं कैसी थी, लेकिन बहुत शाई थी, बहुत इंट्रोवर्टेड थी. एंड नाउ आई एम नॉट द सेम पर्सन, बट मैं इस वीडियो में जो बोल रही हूँ जैसे बोल रही हूँ. आई हैव चेंज, इनफैक्ट आई हैव चेंज अ लॉट आफ्टर लाइक बींग अ मदर. तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत बोलने लग जाते हो आप. मैं जैसे बहुत बोलना शुरू हो गई हूँ अपनी बेटी के बाद, क्योंकि उसके साथ बहुत बोलना पड़ता है. सो ये बताना मैं भूल गई. आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफाई बाय आमना. ये भी एक लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है. आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद दिस पाकिस्तानी. लोगों को तो ये सब ब्रांड्स पता होंगे, बट आई नो दैट आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल इन माई लिस्ट. मेरे यूट्यूब पर तो बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स हैं एंड इवन इंस्टा पे भी हैं काफ़ी सारे. सो आई लव यू गाइज अलॉट एंड दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू गाइज के ये पाकिस्तानी है या नहीं. तो आई एम यूजिंग दिस पाउडर और इसका मैं ये वाला बनाना शेड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं यूनिवर्सल वाइट या पीच यूज़ करती हूँ ना, मुझे लगता है वो बहुत लाइट सा हो जाता है. एंड समटाइम्स वट आई डू इज़ दिस, तीनों शेड्स को हल्का हल्का लेके बस लगा लेती हूँ लाइक दिस. आई डोंट डू अ लॉट ऑफ बेकिंग, बस मैं इस तरह से पाउडर लगाती हूँ, पूरे फेस पे ही लगा लेती हूँ. इस वीडियो के चक्कर में जो मेरी एक्चुअल वीडियो थी ना, आई हैड टू शूट अ ट्रांजिशन वीडियो टुडे, और मुझे लग रहा है आज इस वीडियो के चक्कर में वो वीडियो चली जाएगी. आई थॉट कि मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर उस वीडियो में भी यूज़ हो जाएगा ये वाला मेकअप और मेरा ट्यूटोरियल भी बन जाएगा. अच्छा, पाउडर के बाद यू कैन सी ब्लश थोड़ा सा वैनिश हो गया. अच्छा, इसके बाद मैंने हल्का सा अपना पाउडर ब्लश भी लगाना है. एंड दिस इज ऑल्सो अ पाकिस्तानी लोकल ब्रांड क्रिस्टीन. इसके अंदर दो शेड्स हैं, पिंक एंड पीच. अभी मैं पिंक मेकअप कर रही हूँ तो आई एम गोना डू दिस. इस तरह लगा रही हूँ मैं, हल्का सा पाउडर ब्लश भी लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्टे करे वो फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो नाउ वी नीड टू अप्लाई लाइनर. वैसे तो मैंने ये वाला लाइनर लगाया था विच इज फोकल एयर का लाइनर, एंड दिस इज वेरी गुड. बहुत थिन एप्लीकेशन है इसकी. मुझे बहुत पतला सा लाइनर चाहिए होता है बिकॉज आई हैव हुडेड आईज, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है. बट ये बहुत शदीद किस्म का वाटर प्रूफ है. ये मेरी आंखों से कोई एक डेढ़ हफ्ते बाद भी नहीं हटता है, लाइक हट जाता है लेकिन आंखें फिर भी अंदर अंदर होता है ना, थोड़ा थोड़ा ब्लैक रह जाता है. ये मैं जितना मर्जी आंखें रगड़ूं नहीं हटता है. तो मैं ये लगाना नहीं चाह रही हूँ अभी. एंड आई हैव अनदर लाइनर, क्योंकि एक दो और हैं एंड आई डोंट लाइक देम. ये मैंने रिसेंटली एक ब्रांड का लिया था, ये दोनों लोकल ब्रांड्स हैं, बिकॉज जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं ना उनके वाटर प्रूफ होते हैं, तो मैंने सोचा मैं लोकल ब्रांड्स ट्राई करूँ, पर इनकी एप्लीकेशन इतनी प्रिसाइस नहीं हो पाती है. आई होप इट इज़ नॉट रन माई मेकअप. Oh God, ये नहीं लगेगा. आई फील लाइक खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ? शुड आई यूज द फोकल एयर वन टू अवॉइड रेनिंग माई मेकअप? वैसे बन तो गया है. आई हैव दिस अनदर लाइनर, लेट्स ट्राई दिस वन. ये अच्छा था बट ये काफी पुराना हो चुका है तो थोड़ा सा ड्राई हो गया ये. I don't know, लगेगा कि नहीं. अंदर की साइड में जो लाइनर नहीं चाहिए होता, बस थिन सा मैं लैश लाइन को कवर करती हूँ. एंड बाहर विंग चाहिए होता है. वैसे हो तो गया है, अब मुझे विंग को फिल करना है. वैसे लाइनर लग गया है. लेट्स डू दिस सेम ऑन दी अदर आई फर्स्ट, फिर फिल बाद में करते हैं. सो आई एम डन विद द लाइनर. अब जैसा भी लगा है वैसे तो रियल में सही लग रहा है, पर गुजारा करें बिकॉज आई हैड अ थर्ड लाइनर विच केम टू द रेस्क्यू और उससे गुजारा हो गया मेरा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स.
आई एम यूजिंग दिस एसेंस का मस्कारा लैश प्रिंसेस एंड दिस इज ऑल्सो नॉन वाटर प्रूफ बट स्टिल इट टेक्स लाइक सम एफर्ट टू बी रिमूव्ड. मुझे वाटर प्रूफ चीज़ें नहीं पसंद है आइज के लिए लाइक लाइनर एंड मस्कारा स्पेशली. तो मैं नॉन वाटर प्रूफ ढूंढती हूँ बट स्टिल मुझे इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं. तो सॉरी आई फॉरगॉट टू कर्ल माई लैशेज. आई लैश कर्लिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि मैं करती हूँ फर्स्टली बिफोर डूइंग द मस्कारा. हल्का हल्का सा कर्ल हो जाए तो अच्छा सा मस्कारा लग जाता है. ओके सो वी आर डूइंग मस्कारा नाउ. आई हैव बिग लैशेज सो आई डोंट अप्लाई फॉल्स लैशेज. वी आर डन ऑलमोस्ट. नाउ आई एम गोना डू हाइलाइटर. देयर इज अ ट्रिक और टिप दैट वेट योर ब्रश विद दिस. मतलब किसी भी चीज़ से रोज़ वाटर या कुछ भी मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया एंड देन अप्लाई योर हाइलाइटर इस पे एंड वोइला. इतना हल्का सा लिया है मैंने, इतना हल्का सा लिया है बट बिकॉज ऑफ वेटिंग माई ब्रश इट लुक्स लाइक दिस. यू कैन सी. आई होप यू कैन सी. आई होप यू कैन सी क्योंकि मिरर में बहुत 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 प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छी लुक आई है. लिटिल बिट ऑफ नोज बस. यहाँ भी लगा सकते हैं. ऐसे तो दूसरा ब्रश होता है यहाँ लगाने के लिए बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हैवी मेकअप तो मैं यहाँ लगाती नहीं हूँ इसलिए बस मैं अवॉइड कर रही हूँ. आई लाइक इट ऑन माई चीक्स ओनली क्योंकि मेरा एक्चुअल जो मैं इनर कॉर्नर के लिए यूज़ करती हूँ ब्रश वो पता नहीं कहाँ गया है. इफ़ा के हाथ में देखा था मैंने कुछ दिन पहले एंड शी हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई मेकअप प्रोडक्ट्स जबकि मैं मोस्टली उठा चुकी हूँ बट पता नहीं वो कहाँ से ढूंढती है और फिर गुम कर देती है और कभी कभी वापस ढूंढ के भी दे देती है लेकिन मोस्टली घूम ही रहती हैं. ओके सो वी आर डन विद द इनर कॉर्नर एज वेल. नाउ वी नीड टू स्पीड अप अप्लाई द लिपस्टिक एंड बी डन विद इट. फॉर द लिपस्टिक आई एम गोइंग विद दिस न्यूड शेड विच इज इतना ज़्यादा न्यूड नहीं है बट न्यूड ही है वैसे. न्यूड कलेक्शन में से NU05 बेयरली लीगल. इट्स मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट एंड आई एम गोना यूज दिस ओनली. So we are done with the makeup. This is not a pink shade. This is pinky peach shade. And eyes पे भी मैंने pink नहीं किया. If you want, you can do that as well. मेरा dress था pistachio color का. बहुत light सा pink था. बहुत बहुत light. Like it's like a new dress. ये grey dress. उसके ऊपर हल्का सा touch था green का. So इसलिए I wanted to keep it like. ज़्यादा मुझे किसी specific color की तरफ नहीं जाना था. But pink looks good with it as well. But this is my makeup final look. And I hope it's looking nice. बाल खोल के भी दिखाती हूँ मैं आपको. So that's how I look. I hope I did justice to the same look. मैं अभी यहाँ पे अपने clips लगाती हूँ कुछ and you guys tell me if I did the same or not. But मैंने ही makeup किया था. I just used some different products. But यही makeup था and it will also look good with that type of like event या कुछ भी engagement निकाह या कोई भी intimate ceremony के लिए ये makeup बहुत अच्छा रहेगा. So I hope you guys like it and I need to go and shoot my video before sunlight goes away and मेरी सारी मेहनत waste हो जाए. So take care of yourself. Allah Hafiz.